जज़ाकअल्लाह। मुंतज़िर जौनपुरी साहब अपने मखसूस अंदाज में खराज अकीदत पेश करवा रहे थे कि पिला के सब्र को आबे हयात मक्तल में, हुसैन दे गए खंजर को मात मक्तल में, तमाम आयतें बैठी है बावजू होकर, तमाम सब्र भाई तमाम आयतें बैठी है बावजू होकर, पढ़ा रहा है कोई दीनियात मक्तल में, तमाम आयतें बैठी है बावजू होकर, तमाम आयतें बैठी है बावजू होकर, पढ़ा रहा है कोई दीनियात मक्तल में। अभी तो आएंगे अकबर, अभी तो आएंगे असगर जिहाद अकबर को, अभी भी बाकी है कुछ मौजजात मक्तल में, अभी भी बाकी है कुछ मौजजात मक्तल में। तो अली का शेर जो चुल्लू को बंद कर लेता तो तड़प के मर गई होती फरात मक्तल में। अली का शेर जो चुल्लू को बंद कर लेता तो तड़प के मर गई होती फरात मक्तल में। आई हजरत इन मिसरों की रोशनी में गुजारिश है, जनाब जफर आजमी साहब के तशरीफ लाएं, आप हजरत से गुजारिश है सलवात से इस्तकबाल करें। इंसाफ की इंसाफ की इंसाफ की आँखों ने हर दौर में देखा है। इंसाफ की टकराया है, टकराया है, टकराया है जो हक से वो टूट के बिखेरा है। टकराया है जो हक से वो टूट के बिखरा है। मतलब मैंने आप हज़रात के लिए पेश कर दिया। अब मैं एक शेर आखिर में पढ़ रहा हूँ पूरी तवज्जो के साथ, अगर तवज्जो नहीं रहेगी तो बात बनेगी नहीं। बस मुलाहिज़ा फरमाएं। टकराया है जो हक से वो टूट के बिखरा है। दूसरा मतलब पढ़ रहा हूँ कि ज़ैनब का ज़ैनब का सकीना का अब शाम पर कब्ज़ा है। अरे महलों में अंधेरा है, जिंदा में उजाला है। महलों में अंधेरा है, जिंदा में उजाला है। आखिरी शेर कातिल के मकाने वो मजलिस
का बपा करना। अरे रुखसार पा जालिम के भरपूर तमाचा है, रुखसार जालिम के भरपूर तमाचा है, रुखसार पा जालिम के भरपूर तमाचा है। सलावत की गुजारिश कर रहा हूँ। हजरत एक दो मतला और एक शेर मौला अब्बास के लिए मुलादा फरमा लें। पिछड़ा हुआ था, अब कोई और न अब्बास के जैसा होगा। बहुत जल्दी जल्दी दो तीन शेर की ज़हमत है। मिसरा ज़हन में महफूज रखने, अब कोई और न अब्बास के जैसा होगा। मुलादा फरमाना मतलब पेश करता हूँ। मौला अब्बास के चाहने वाले तशरीफ़ फरमाए। फतेह खैबरो खंदक का जो बेटा होगा, फतेह खैबरो खंदक का जो बेटा होगा, फतेह खैबरो खंदक का नहीं कहने की वो कैसा होगा। ये जरूर और थोड़ा बेदारी का सबूत दें। ये जरूरत नहीं कहने की वो कैसा होगा। और रात आप तमाम हजरात के लिए उसने मतलब पेश कर रहा हूं। कितना पुरकैफ वो जन्नत का नजारा होगा, कितना पुरकैफ वो जन्नत का, जन्नत का नजारा होगा। हम पर जब परचमे अब्बास का साया होगा, हम पजब परचमे अब्बास का साया होगा। और होगा तो होगा कौनैन में जो शेरे लाही का पेशर, होगा कौनैन में जो शेरे इलाही का पेशर, वो अगर शेर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। वो अगर शेर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। और जात ये शेर बतौर खास अहले इल्म तशरीफ़ फरमा, सिर्फ तीन शेर की और ज़हमत है। वो अगर शेर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। शबीर भाई थोड़ा बेदारी के साथ मामू देखें। आप तमाम जात प्यारे भाई खास तवज्जो। तशन लब शेर को साहिल पा जरा ने दो, तशन लब शेर को शाने भाई साहिल पा, साहिल पा जरा ने दो, तशन लब शेर को साहिल
बाजार में रुसवा होगा। आज दरिया भरे बाजार में रुसवा होगा। हजरत मिश्रा आपके जहन में है, अब कोई और ना अब्बास के जैसा होगा। एक सलवात पढ़ दे मौलवी। आज दरिया भरे बाजार में रुसवा होगा, और हश्र में जब अली अकबर की जियारत होगी भाईजान, हश्र में जब चेहरे यूसुफ पसीना होगा, शर्म से चेहरे यूसुफ पसीना होगा, शर्म से चेहरे यूसुफ पसीना होगा। आखिरी दो शेर, तमाम शेर छोड़ते हुए दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मगर ये दो शेर थोड़ी सी और बेदारी के साथ मौलाना फरमा लें। शर्म से नजर भाई देखिए शेर पेश करता हूँ, मौलाना फरमाए आप तमाम हजरात की तरफ से, के हाथ फैला के जो मजलिस का तबर्रुक मांगे, शब व रोज इजाफा होगा, रिज़्क का उसके शब व रोज इजाफा होगा। रिज़्क में प्यारे भाई खास तवज्जो है इनकी खिदमत में। आखिरी शेर, अब ना अल्लाह से मांगेंगे अली कोई दुआ। क्या खामोश बैठे हैं, लगता है आपके जहन से बिस्तरा फिसल गया है। रिस्क में उसके, याद कर लीजिए मिश्रा, मैं दोहराऊंगा नहीं, आखिरी शेर है, रिस्क में उसके शब आभिया की अमानत थी ये, शब रोज इजाफा होगा। अब अल्लाह से मांगेंगे अली कोई दुआ, अब अल्लाह से मांगेंगे अली कोई दुआ, अब कोई और ना अब्बास के जैसा। अब्बास के जैसा होगा, सर पर जब परचमे, हम पर जब परचमे, अब्बास का साया होगा।